नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है NCH न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ डेविड। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने रविवार सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। जानकारी के मुताबिक कुछ सप्ताह पहले ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। उनका निधन किन कारणों से हुआ वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। राकेश झुनझुनवाला 62 साल के थे। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6:45 पर उनका निधन हो गया। झुनझुनवाला के परिवार में उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, बेटी निष्ठा, वही दो बेटे आर्यमन और आर्यवीर हैं। कई तरह के व्यापारों में निवेश करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में आकाशा एयरलाइंस पर भी निवेश किया था, जिसमें 40% हिस्सेदारी झुनझुनवाला के पास थी। ये निवेश ऐसे समय में किया गया था जब ज़्यादातर विमान कंपनियां घाटे में चल रही हैं। आकाशा एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों के लिए अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी 72 बोइस 737 मैक्स विमानों की खरीदारी भी की थी। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशकों में से एक थे। वह जब कॉलेज में थे तभी से उन्होंने शेयर बाजार में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। यहां से स्नातक होने के बाद ही उन्होंने शेयर मार्केट में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की थी। सितंबर 2018 तक ये निवेश बढ़कर 11,000 करोड़ रुपये हो गया था। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में झुनझुनवाला की नेटवर्थ 43.39 हज़ार करोड़ रुपये की है। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी माना जाता था। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।